बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे ढेर सारा। अल्लाह सबको खुश रखे हमेशा, आमीन सुम्मा आमीन, अपने ज़ुबान में रखे। ठीक है जी, आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सी चिकन टिक्का बिरयानी। मटन में भी बना सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी, इसकी 3 स्टेप हैं। इस तरह बनाने में बहुत आसानी होगी मुझे बताने में भी और आपको समझने में भी। फर्स्ट स्टेप, चिकन मैरिनेट करना है। ठीक है जी, चिकन मैरिनेट करने के लिए जो जो चीज़ें मुझे चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। 2 टेबलस्पून भर के जिंजर पेस्ट, 2 टेबलस्पून भर के गार्लिक पेस्ट, 2 टेबलस्पून फुल भर के टिक्का मसाला, 1/2 टीस्पून फूड कलर, 3 छोटे साइज़ के लेमन है, ये देख सकते हैं, इसमें से बीच मैंने निकाल दिए, और 1 टेबल स्पून दही फ्रेश। अब 1 इसलिए रखा और टीस्पून इसलिए रखा है कि दही पानी छोड़ देता है और इसको हमने ड्राई फॉर्म में रखना है। मसाला इसका बाद में हम ऐड करेंगे चिकन में। ठीक है, दही जितना ज़्यादा देर जाता है, क्योंकि लेमन यूज़ हो रहे हैं उसमें खटास और उसका वो अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा, गल भी अच्छे से चिकन जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ 1 टीस्पून ही लूँगी। आप देख सकते हैं मैं ये 1 टीस्पून भर के ये बस इतना ही डालूँगी, इससे ज़्यादा मैं ऐड नहीं करूँगी। ठीक है, और इसके 3 स्टेप हैं। सबसे पहले मैंने आपको चिकन का सारा बता दिया, 2nd स्टेप में चिकन का मसाला, और 3rd स्टेप में मैं बताऊंगी इसका राइस का सारा। इस तरह बनाने में बहुत इंशाल्लाह आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब ये सब चीज़ें डालकर मैं इसमें रख दूँगी तकरीबन 2 घंटे के लिए। ठीक है, ये देखें, ये मैरिनेट करके मैंने रख लिया अच्छे से मिक्स करके इसको। अब मैं इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए छोड़ दूँगी ऐसे कवर करके, फिर इंशाल्लाह मैं इसको बनाने का आपको तरीका बताऊँगी। और ये 800 ग्राम है चिकन। ये एक पैन में मैंने ऑयल 1 टीस्पून हल्का सा बस ग्रीस कर लिया, बिल्कुल लाइट से आप देख सकते हैं, और उसके बाद इस पर लो फ्लेम पे मैंने आंच लगा लिया। अब इसमें 1 बाय 1 मैं ये चिकन रखती जाऊँगी। ठीक है, इसको इकट्ठे नहीं डालना, अलग अलग करके, ये इस चीज़ का ध्यान रखना, ऐसे करके अलग अलग करके डालना है, और इसको दोनों साइड से 70% कुक कर लेना। ये देखें, देख सकते हैं आप कितना अच्छा गोल्डन एक साइड से पक गया। इसको दोनों को मैंने, तीनों को सॉरी, पलटती है मैंने। अब मैं दूसरों जितने भी पीस हैं इन सबको मैं आहिस्ता आहिस्ता पलटती जाऊंगी। ये गोल्डन हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, इसी तरह पूरा ये जो साइड है मैं इसको पलट लूँगी। ठीक है, दोनों साइड से, उसके बाद मैं कोयले की स्टीम लगा दूँगी इस पर। ये देखें, मैं इसको स्टीम पर लगा दूँगी। ये थोड़ा सा इस पर ऑयल डाल लें, थोड़ा सा ऑयल, कोयला मैंने ऑलरेडी जला लिया था। ये देखें, अच्छे से इसको कवर कर दिए। ठीक है, अच्छे से ये इसमें इसकी खुशबू चली जाएगी। ये टिक्का बिरयानी इसलिए मस्ट करना है, जब बिरयानी को फाइनल दम पे लगाना है तब भी मस्ट करना है, अच्छे से टेस्ट आ जाएगा इसका। अब ये स्टेप 2 है, मैं इसकी सारी तैयारी और इसकी चीज़ें बता देती हूँ आपको। ठीक है, चिकन एक तरफ पक रहा है। स्टेप 2 में चाहिए हमें सबसे पहले 4 अदद ये बड़े साइज़ के टमाटर हैं स्लाइस में मैंने काट लिए। हल्दी पाउडर चाहिए 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून भर के जीरा साबुत, 1 टीस्पून रेड चिली है, 1 टीस्पून भर के गरम मसाला है, 1 टीस्पून सॉल्ट है। ठीक है, और इसमें 1/2 टीस्पून मैंने गार्लिक पेस्ट एक ही इसमें रख लिया था, और 1/2 टीस्पून जिंजर पेस्ट है, 1/2 टीस्पून येलो फूड कलर है बिरयानी के लिए, और ये 3 बड़े साइज़ के ऑनियन है स्लाइस में काट लिए थे। ठीक है, 1 टेबलस्पून भर के ये बिरयानी मसाला है, ये देख सकते हैं आप, और 1 टीस्पून टिक्का मसाला है। ठीक है, और ये प्याज मैंने ऊपर से डालने के लिए, जो प्याज मैं बाद में ब्राउन करूँगी, ये एक बड़े साइज़ का है, बहुत बड़ा साइज़ का था। ठीक है, ये प्याज मैंने स्लाइस में काट लिए। ये 9 अदद मिर्चें ग्रीन चिली ऐसे मैंने काट ली हैं। ये तकरीबन 1 kg बल्कि 1 फुल kg 1 kg ही ये राइस है। मैं भी इसको धोकर अच्छे से भिगो के रख लूँगी। 1/2 कप ऑयल है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कोयला है, जब बाद में हम चिकन को भी, अभी मैं इस पर कोयले की स्टीम दूँगी, और जब पूरा रेडी हो जाएगा सब राइस का सब कुछ प्रिपेयर हो जाएगा और मैं उसकी तैयारी कर लूँगी मुकम्मल, फिर मैं लास्ट में भी ये लगाऊँगी इंशाल्लाह। ठीक है, और अब ये 2nd स्टेप की मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, अब लास्ट स्टेप राइस भिगो बॉयल करने वाला होगा, वो मैं आपको 3rd बताती हूँ इंशाल्लाह भी। ठीक है, ये सब चीज़ें आप डन हो गई इंशाल्लाह। चलें जी, अब तैयारी करें मसाले की।
यहाँ मेरा दूसरी साइड पर तैयार हो रहा है पानी उसका, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा जो हाफ कप ऑयल था उसमें से थोड़ा सा ऑयल डालूँगी, ठीक है। इसमें मैं ऐड करूँगी प्याज कटा हुआ, ठीक है, और इसको अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। ये प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए, अब जिंजर और गार्लिक का पेस्ट डाल के अच्छे से मिक्स कर दूंगी मैं। और ये हल्दी, धनिया और जीरा, साबुत जीरा, ये सब ऐड कर दिए। बिरयानी मसाला, टिक्का मसाला, ये सब चला गया। और कुछ ये ग्रीन चिली बचा लूँगी लास्ट के लिए, ठीक है, उसके ऊपर गार्निश करने के लिए, ठीक है जी। अब ये सब चीज़ें अच्छे से डालकर मिक्स कर लूँगी मैं, उसको अच्छे से भून लूँगी। अब ये जो मैंने उस टाइम ऑयल कम डाला था हाफ कप बताकर, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये बाकी मैं ये वो ऑयल डाल रही हूँ, ठीक है। इसमें मैंने प्याज गोल्डन किया था और अब मैंने ये सारा उसमें डाल दिए, फुल हाफ कप हो गया, ठीक है। उसी में प्याज मैंने गोल्डन करके निकाल लिया प्याज, और ये जो बच गया था ये मैंने इसमें वापस ऐड कर दिया। देखिए मसाला बिल्कुल मेरा अच्छे से डन हो गया। अब ये जो चिकन तैयार है और जो दूसरी तरफ मसाला तैयार है वो सब मैं इसके अंदर शिफ्ट कर दूँगी, ठीक है। और उसके बाद 3 से 4 मिनट स्टीम पर रखने के बाद दैट्स इट, मैं राइस में मिक्स कर दूँगी, ठीक है। मैं अभी इसके अंदर मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें, अब मसाला ऊपर मैंने सारा डाल दिया चिकन के अंदर। अब ये 3 से 4 मिनट शिफ्ट मैंने इस पर शिफ्ट कर दिया है कवर इसका, उसके बाद मैं इसको हटाकर 3 से 4 मिनट के बाद मैं ऐड कर दूँगी इसमें राइस, ठीक है। लेयर लगा लूँगी इंशाल्लाह। नीचे से बिल्कुल लो फ्लेम पे चूल्हा जल रहा है, ओके, फुल लो फ्लेम है। अब मैं आपको लेयर लगाना बताती हूँ। ये देखें, ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन करके मैंने ऐसे टिशू पर निकाल लिया था प्याज, जो मैंने सबसे स्टार्ट में आपको चीज़ें बताते हुए बताया था, ये लास्ट में बिरयानी के ऊपर डालूंगी मैं इंशाल्लाह। अब स्टेप 3 की तैयारी करते हैं। राइस मैंने भिगो के रख लिए थे ऑलरेडी, ठीक है। और अब स्टेप 3 में ये है कि पानी में जो राइस का पानी उसमें ये सब कुछ डालूंगी मैं। 4 अदद लौंग है, ये 1 बड़ा बादियान का फूल, 1 बड़ी इलायची, 1 टीस्पून भर के सॉल्ट राइस के लिए, ये दालचीनी का ये टुकड़ा है, और इसी तरह की ये सिनेमन स्टिक है, साबुत भी डाल सकते हैं तोड़ के भी। और ये तकरीबन 15 से 16 दाने हैं काली मिर्च के, साबुत काली मिर्च की, ये सब मैं डालूंगी। और डालने के बाद जब मैं ड्रेन करने लगूंगी, पानी निकालने लगूंगी, फिर ये सारी चीज़ें मैं निकाल लूँगी, सिवाय सॉल्ट तो लाजमी सी बात है उसमें हल हो जाएगा, ये इसलिए कि बाद में मुँह में ना आए, ठीक है। अब राइस बॉइल करना शुरू करते हैं। ये देखिए, दूसरी तरफ मैं ये पहले आपको बता चुकी हूँ पानी का, पानी मैंने रख लिया, ये हाई फ्लेम पे गरम हो चुका है। अब ये लौंग, बादियान का फूल, इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, ये नमक और ये काली मिर्चें डालूंगी इसमें, ठीक है। ये सब चीज़ें इसमें ऐड कर दी। जब ये अच्छे से पक जाएगा, बॉईल हो जाएगा, इसका कलर आ जाएगा इन सब चीज़ों का ऊपर, फिर इसके बाद मैं इसमें से ये सब चीज़ें निकाल लूँगी और फिर डालूँगी राइस, ठीक है। पानी अच्छे से बॉईल हो गया है, सिर्फ काली मिर्च रहने दी है मैंने थोड़ी सी अंदर, बाकी सब निकाल लिया, कलर चेंज हो गया, अब इसमें मैं राइस ऐड करती हूँ। ये देखिए जी, ये राइस डन हो गया, ये मैंने ड्रेन कर लिए हैं, ये 70% डन है अल्हम्दुलिल्लाह। अब बाकी बस इसको स्टीम में मैं जब रखूँगी तो फिर उस टाइम इसको बाकी मैं कर लूँगी, गला लूँगी। ये देखें, अच्छा सा बड़ा सा खिला खिला सा दाना अलग अलग है जी। ये देख सकते हैं बड़े सारे पॉट में मैंने सबसे पहले थोड़े से राइस की लेयर लगाई है, उसके बाद इसके ऊपर एक कोट करूँगी चिकन का, ठीक है। ये दूसरी लेयर लगा ली है चिकन की, अगेन इसी को रिपीट करूँगी, राइस लगा कर उसके ऊपर चिकन लगाऊँगी, देख सकते हैं आप। ये देखें, ये फुल एंड फाइनल लेयर लग गई है राइस की। अब इसके ऊपर सबसे पहले मैं डालूँगी फूड कलर,
ये सब डाल दिए फूड कलर। उसके बाद प्याज, प्याज से बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट भी आता है और बहुत ही प्यारी शक्ल भी लगती है। और जो मैंने थोड़ी सी मिर्ची बचा ली थी वो भी इनके ऊपर ऐसे डाल दी। और ये धनिया मैं सिर्फ कलर के लिए डाल रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है धनिया। ये देखिए कितनी प्यारी शक्ल इसकी आ गई है। और लास्ट में मैं कोयले के स्टीम लगाऊंगी, ठीक है। ये मैं अब आपको दिखाती हूँ आगे। इसके सेंटर में बिल्कुल मैंने रख दी, ये देखें। देखें अब इसको फॉइल से मैंने ऐसे कवर कर दी हर तरफ से। और अब मैं इसको 10 मिनट के लिए स्टीम पे रख दूंगी, ठीक है। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए स्टीम करती हूँ। ये देखें बिरयानी बनके फुल रेडी है 10 मिनट के बाद। ये देखें फुल डन है माशाल्लाह। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और फिर मैं आपको फाइनल दिखाती हूँ इसकी लुक। ये देखें नीचे से निकाल रही हूँ, ये देखें स्टीम अच्छे से ऊपर तक आ गया। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करके आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए ये है बिरयानी की फाइनल लुक, माशाल्लाह कितनी प्यारी है, कलरफुल। ये है हमारी टिक्का बिरयानी बिल्कुल रेडी।